गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें हार जीत का फैसला 30 से 40 सीटें ऐसी थीं जिनमें बहुत कम था, या ये कहें कि मामूली सा अंतर था, और यही कारण है कि वो सीटें हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इस बार महत्वपूर्ण ये है कि इस बार चुनावों में 11 लाख ऐसे वोटर जुड़े हैं जो पहली बार वोट करेंगे, और आप समझ सकते हैं कि अगर 30-40 सीटों पर हार जीत का अंतर बड़ा मामूली था तो ये 11 लाख वोटर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गद्दी तक पहुंचा सकते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गद्दी पर नीचे उतार सकते हैं। ऐसे ही यूथ वोटरों के पास हम पहुंचे हैं जो पहली बार वोट करने जाएंगे, इनके भी कई तरह के इश्यूज रहते हैं, कई तरह के मुद्दे रहते हैं, तो यंग वोटर क्या सोच रहा है चुनावों को लेकर उनसे सीधे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ और मैं एक लड़की हूँ, तो मैं ऐसा देखूंगी कि लड़कियों को ज्यादा सिक्योरिटी और वो सब मिलनी चाहिए, गर्ल्स के लिए ज्यादा स्कीम्स निकलनी चाहिए। आपको ये मानना है कि जो बेहतर उम्मीदवार होगा चाहे कोई भी हो उसको आप लोग वोट देंगे? और भी कुछ हमारे साथ युवा हैं, तो पहली बार जब वोट डालने आप लोग जाते हो क्या मन में चल रहा होता है? क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो खैर एक सेट पर पार्टी होती है, लेकिन जो यूथ है वो कहते हैं कि अचानक से अगर मूड बदल दे तो पॉलिटिकल पार्टियों को ऊपर से नीचे कर देता है। तो आप लोग जब जाते हो वोटिंग पोलिंग स्टेशन पर तो क्या दिमाग में चलता है? मैं यही बोलना चाहती हूँ सारे वोटर्स को जो फर्स्ट टाइम वोट करे, एज आई एम ऑल्सो अ फर्स्ट टाइम वोटर, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी, जो मतलब ऐसा तो है नहीं दैट सबको बोलेंगे वोट करना तो सब करेंगे, बट आई मस्ट टेल टू द यूथ ऑफ इंडिया दैट वोटिंग करना चाहिए, बिकॉज वन वोट कैन चेंज द लाइफ, चेंज द गवर्नमेंट, एंड जो एक्सपेक्टेशंस होती है बींग अ गर्ल दैट जो भी गवर्नमेंट आए उनको हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट जो गर्ल्स की सेफ्टी है उसमें थोड़ा चेंजेस हो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें थोड़ा चेंजेस हो, एजुकेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट जितनी तेजी से गुजरात में हो रहा है। क्या चलता है मतलब यूथ के दिमाग में क्या चलता है जब वोट डालने जाता है? जनरली ऐसा होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से और कहीं जगह एडवर्टाइजमेंट को देख के यूथ है जो वो डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको वोट देने का पता नहीं होता और लोगों के फ्लो के साथ वो चल जाते हैं और वोट दे देते हैं। इसीलिए मैं यूथ से ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपने इंटेलेक्ट को यूज कीजिए और समझिए कि आपको किसको वोट देना चाहिए, और अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या फायदाकारक है, कौन सी पार्टी आपके हित में काम कर रही है और कौन सी पार्टी के क्या स्कीम है। मैनिफेस्टो को समझिए और यूथ एज ए यूथ आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना वोट कास्ट कीजिए। बिल्कुल, वोट महत्वपूर्ण भी है और लोकतंत्र में जरूरी है कि हर व्यक्ति वोट करे। पिछले 4-5 सालों में अगर हम बड़ौदा को देखें तो किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिला इस सिटी में, या आप चाहती हैं कि ये सिटी कुछ और चेंज हो? बदलाव तो काफी ज्यादा आया है पहले से वडोदरा में, चेंजेस ये चाहेंगे कि ज्यादा डेवलप्ड हो ये सिटी और स्कीम्स निकाले बॉयज गर्ल्स और एसटीएससी ओबीसी वालों के लिए। पहली बार वोट डालने जाओगे तो क्या दिमाग में क्या चल रहा होगा आप लोगों को? बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट होती है कि कैसे करते हैं और क्या, और हम लोग वोट दे रहे हैं तो हम मतलब सही से देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वोट है और ये बहुत ही मैटर करता है। आपने देखा कि ये यूथ है और फर्स्ट टाइम वोटर है और निश्चित तौर पर इनके अपने कुछ इश्यूज हैं, इनके कुछ मुद्दे हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन इश्यूज को नकार नहीं सकती, क्योंकि ये वो वोटर हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर बैठा सकती है, और यही कारण है कि ये भी चाहते हैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि, एक ऐसी सरकार जो यूथ के कामों पर ज्यादा फोकस करे। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बड़ोदरा।